नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एस्टर डीएम हेल्थकेयर लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इस कंपनी का रजिस्टर्ड और कॉरपोरेट ऑफिस कोच्चि केरला में है और इसके आईपीओ रजिस्ट्रार्स होंगे लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। इस कंपनी का आईपीओ 12 फरवरी 2018 को खुलेगा और 15 फरवरी 2018 को क्लोज होगा। ये एक 100% बुक बिल्ट आईपीओ इशू है। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है और इसका प्राइस रेंज कंपनी ने 180 और 190 रुपये प्रति शेयर रखा है। मिनिमम क्वांटिटी 78 शेयर्स की है और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 14,820 और लिस्टिंग इस शेयर की एनएससी और बीएससी पर होगी। फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इसका 22 फरवरी को पूरा हो जाएगा और उसी दिन आसबा फंड्स की अनब्लॉकिंग भी हो जाएगी। 23 फरवरी को क्रेडिट शेयर आपके हो जाएंगे अगर आपके शेयर आ गए हैं। लिस्टिंग इस शेयर की 26 फरवरी 2018 को होगी और इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट या आपके अलॉटमेंट आई है या नहीं आई है इसको देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जब भी अलॉटमेंट आ जाएगी 22 फरवरी या इसके बाद। आईपीओ का साइज जो है, असल में ये एक फ्रेश इशू है 3,81,57,895 शेयर का, जिसमें 725 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी। साथ ही ऑफर फॉर सेल भी है 1,34,28,251 शेयर का, जिसमें से जो अमाउंट होगी सेलिंग शेयर होल्डर के पास जाएगी वो 255 करोड़ रुपए होगी। यानी कि जो टोटल नेट इशू साइज है वो 980 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें रिटेल पोर्शन 35% है, क्यूआईबी पोर्शन 50% है और एचएनआई 15% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं डॉक्टर आजाद मुपेन, जिनके पास कंपनी का एक भी शेयर नहीं है। ये बहुत दिनों के बाद हमने देखा है कि जो प्रमोटर्स हैं उनके पास एक भी शेयर नहीं है। इसके दूसरे प्रमोटर्स हैं यूनियन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, हालांकि ये डॉक्टर मुपेन की ही कंसर्न है। इनके पास 20,41,34,341 शेयर हैं और इनकी जो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो केवल 2.84 रुपये है और जो इस समय सेलिंग शेयर होल्डर हैं वो यही कंपनी है यूनियन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। 18 जनवरी 2008 को इस कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय इसका नाम डीएम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड था। 29 नवंबर 2013 को इसका नाम बदलकर एस्टर डीएम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को कंपनी को कन्वर्ट कर दिया गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी में और इसका नाम बदलकर एस्टर डीएम हेल्थकेयर लिमिटेड कर दिया गया। इस कंपनी ने जो इक्विटी शेयर जारी किए हैं 10 रुपये से लेकर 1,58,918 रुपये का एक शेयर इन्होंने जारी किया था। ये अब तक का शायद एक रिकॉर्ड होगा कि एक शेयर 1,58,918 रुपये का इन्होंने इशू करा था। हालांकि उसके बाद में इन्होंने 2012 में एक शेयर के बदले 1,000 शेयर अपने आप को इन्होंने बोनस दे दिए और एक और बोनस इन्होंने 2013 को भी दिया, हर एक शेयर के अगेंस्ट 2 शेयर, यानी कि दुगने शेयर उनके फिर दोबारा हो गए, पहले 1,000 गुना हो गए थे। ये भी शायद एक रिकॉर्ड है। 27 अगस्त 2015 को कंपनी ने 100 शेयर अलॉट करे थे 222 शेयर के पीछे, जो एक IHPL कंपनी इनकी थी वो अमलगमेट हुई थी इस कंपनी के अंदर। साथ में और भी एक इनकी कंपनी थी MIMS, उसको भी 30 अक्टूबर 2014 को इन्होंने एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके अगेंस्ट इन्होंने शेयर्स अलॉट करे थे। अब हम कंपनी के बारे में आपको बताते हैं। देखिए, कंपनी जो है वो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर है। इनके जो ऑपरेशंस हैं वो गल्फ कंट्रीज में है, जिसका नाम है GCC स्टेट्स, जिसको फुल फॉर्म होती है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत और बहरीन शामिल हैं और इंडिया और फिलीपींस में भी इनके हॉस्पिटल्स हैं। कंपनी जो ऑपरेट करती है वो मल्टीपल सेगमेंट हेल्थ केयर इंडस्ट्री के हैं, जिनमें हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं और रिटेल फार्मेसीज हैं। कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है क्लिनिक, फार्मेसीज, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हेल्थ केयर मैनेजमेंट और हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम भी इनका है। कंपनी प्रोवाइड करती है हेल्थ केयर सर्विसेज, जो इनके ब्रांड नेम हैं हॉस्पिटल्स के वो हैं एस्टर, मेडकेयर और एक्सेस।
हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए इनके पास 9 हॉस्पिटल हैं, 90 क्लिनिक हैं, 206 रिटेल फार्मास्यूटिकल्स फार्मेसीज हैं जीसीसी स्टेट्स के अंदर, 10 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 10 क्लिनिक हैं इंडिया के अंदर, और एक क्लिनिक है फिलीपींस में। ये सारे आंकड़े 30 सितंबर 2017 तक के हैं। एस्टर डीएम हेल्थ केयर के पास 17,408 एम्प्लॉइज हैं इसी डेट पर 30 सितंबर 2017 तक, जिसमें से 1417 फुल टाइम डॉक्टर्स थे, 5,797 नर्सिज हैं, 1752 पैरामेडिक्स हैं और 8,442 अदर एम्प्लॉइज हैं, जिसमें कि फार्मेसिस्ट भी शामिल हैं। इनकी जो लोकेशन है इंडिया में इसके हॉस्पिटल्स की, वो कोची, कोल्हापुर, कोझिकोड, कोटक्कल, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, गुंटूर, वियानंद एंड हैदराबाद में है, जो कि तीन नाम से ये असल में अपने चलाती हैं, ऑपरेट करती हैं, एस्टर, MIMS, रमेश और प्राइम ब्रांड्स। अब इसके हम ऑब्जेक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, इस कंपनी का जो IPO है उसके दो चीज़ें हैं, फ्रेश इशू और ऑफ़र फॉर सेल। ऑफ़र फॉर सेल में कंपनी को कुछ भी नहीं मिलेगा, फ्रेश इशू में कंपनी रीपेमेंट करेगी और प्री पेमेंट करेगी जो भी इसके ऊपर कर्जे हैं उसके ऊपर डेट्स को, मेडिकल इक्विपमेंट्स ये परचेज करेगी और जनरल कॉरपोरेट पर्पज है। अब हम जानते हैं कंपनी फाइनेंशियल्स के। देखिए, 2013 के फाइनेंशियल ईयर एंड में टोटल रेवेन्यू 1938 करोड़ रुपए थे, जो धीरे धीरे बढ़कर इस समय FY 2017 में 5,968 करोड़ रुपए हो गए। टोटल एक्सपेंसेस जो हैं 1,788 करोड़ रुपए थे, जो धीरे धीरे बढ़कर 6,275 करोड़ रुपए हो गए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 2013 में केवल 92 करोड़ रुपए था, वो अब 267 करोड़ रुपए है, और नेट मार्जिन भी धीरे धीरे बढ़कर 6.7% हो गया है। अगर हम कंपैरिजन करें अकाउंटिंग रेशियोज़ का पीयर ग्रुप के साथ में, तो हम देखें कंपनी ने चार नाम दिए हैं, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज, फोर्टिस हेल्थ केयर, नारायणा हृदयालय और हेल्थ केयर ग्लोबल। और इसमें से जो भी शेयर हैं, सिर्फ अपोलो हॉस्पिटल 5 रुपए का, बाकी सारे 10 रुपए फेस वैल्यू के शेयर्स हैं, और इनकी जो PE रेशो है वो मिनिमम फोर्टिस की है 17.4 और मैक्सिमम हेल्थ केयर ग्लोबल की है 103, यानी कि ये वाली कंपनी 44.28 पे काम करेगी जो इसका इशू प्राइस है उसके ऊपर, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी सबसे ज़्यादा इसी कंपनी का है। NAV जो है वो 40.50 रुपये, जबकि ये कंपनी जो शेयर दे रही है वो 190 रुपये में दे रही है। अगर हम लेटेस्ट अर्निंग्स को एट्रीब्यूट करें फुली डाइल्यूटेड इक्विटी के साथ इशू के बाद की, तो हम पाएंगे कि जो इसका आस्किंग PE रेशो है वो लगभग 36 है, जबकि जो लिस्टेड पीयर्स हैं वो इससे ज़्यादा में ही काम कर रहे हैं, जबकि 40 कम है थोड़ा, बाकी सारे ज़्यादा में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सस्ता शेयर है उस हिसाब से। और NAV जो है वो सितंबर में 39.13 है, और इशू जो है वो 4.86 प्राइस टू बुक वैल्यू बनता है इसका। तो हम यही कहेंगे कि ये शेयर जो है वो हालांकि फुली प्राइस्ड है, फिर भी आपको ये शेयर अप्लाई करना चाहिए IPO में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक अगर हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल, तो सब्सक्राइब करें। और एक सूचना और हम देना चाहेंगे कि अब से आप हमारी जो वीडियोज हैं वो पैट्रियन पर भी देख सकेंगे, और वहाँ आप हमारी वीडियो देखें और हमें सपोर्ट करें। और थैंक यू वेरी मच। डिस्क्लेमर पढ़ना मत भूलिएगा। थैंक यू।